हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 74 एंड नोटिफिकेशन नंबर 75 ऑफ जीएसटी, जो कि सेबी आईसी ने 26 दिसंबर 2019 को इश्यू किया था। नोटिफिकेशन नंबर 74 पब्लिक 2019 में बताया गया है कि अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक के जीएसटी R1 फाइल नहीं किया है तो वह 19 दिसंबर से 10 जनवरी 2020 तक के पीरियड में उसको फाइल कर सकता है। मतलब कि अगर वो 10 जनवरी 2020 तक जीएसटी R1 फाइल कर देता है तो उसकी लेट भी वेव कर दी गई है, यानी कि जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक के जीएसटी R1 की लेट भी नहीं लगेगी अगर वो रजिस्टर पर्सन 10 जनवरी 2020 तक वह जीएसटी R1 फाइल कर देता है तो। यह नोटिफिकेशन 19 दिसंबर 2019 से इफेक्ट में लाया गया है। अब एक और नोटिफिकेशन नंबर 75 सीबीआईसी ने इश्यू किया है, जिसमें सीजीएसटी के रूल को अमेंड किया गया है। यहाँ पे रूल नंबर 36 सब रूल 4 जब इश्यू हुआ था तब उसमें बताया गया था कि जीएसटीआर 2A में जितनी क्रेडिट आपको दिख रही है उससे ज्यादा से ज्यादा आप 20% क्रेडिट ले सकते हो। अब गवर्नमेंट ने ये रूल को अमेंड कर दिया है और उसमें बताया गया है कि एच पर रूल 36 सब रूल 4 आप जीएसटीआर 2A में जो क्रेडिट दिख रही है उससे ज्यादा से ज्यादा 10% प्रोविजनल क्रेडिट ले सकते हो। पर ये रूल 1 जनवरी 2020 से इफेक्ट में आ रहा है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक और रूल इंसर्ट किया है, रूल नंबर 86/86A। उसमें बताया गया है कि कमिश्नर या फिर कोई भी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम अगर उसे लगता है कि कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ने फ्रॉडुलेंटली इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल की है, जैसा कि उसने किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन से बिल लिया है जिसका बिजनेस ही नॉन एग्जिस्ट है या फिर वो कहीं और से बिजनेस कर रहा है जहाँ उन पे उसने अपना एडिशनल प्लेस या रजिस्टर प्लेस दिखाया नहीं है, या फिर उसने विथआउट रिसीप ऑफ गुड्स और सर्विसेज इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की है, या फिर उसने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की है उस पर सप्लायर ने उसका टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, या फिर उसने विथआउट पजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे कि इनवॉइस या डेबिट नोट के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की है, अगर ऑफिसर को या फिर कमिश्नर को ऐसा लगता है तो वह रजिस्टर्ड पर्सन की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर सकता है, यानी कि वह उसके जितने पार्ट की क्रेडिट ब्लॉक हुई है उस पार्ट का यूज लायबिलिटी के पेमेंट करने के लिए या फिर रिफंड क्लेम करने के लिए नहीं कर पाएगा। अगर कमिश्नर को लगता है कि एक कंडीशन फुलफिल हो गई है तो वह ब्लॉक वापस उठा सकता है, यानी कि उसके बाद वह लायबिलिटी का पेमेंट और क्लेम ऑफ रिफंड उसमें से कर सकता है। फर्दर एक और लाइन यहाँ पे ऐड की गई है कि सर्ट रेस्ट्रिक्शन शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग सच रेस्ट्रिक्शन। मतलब ये जो ब्लॉक क्रेडिट का रेस्ट्रिक्शन है वह एक वर्ष के बाद अपने आप रिमूव हो जाएगा। फर्दर 11 जनवरी 2020 से रूल 138E में भी अमेंडमेंट आ जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि अगर कोई भी बंदा दो जीएसटीआर 3B एंड दो जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करता है, दोनों में से एक भी रिटर्न अगर कंसेक्यूटिव 2 मंथ के या फिर 2 क्वार्टर के फाइल नहीं होता है तो उसका ईवे बिल ब्लॉक हो जाएगा। पहले रूल 138 में वो बताया गया था कि सिर्फ अगर आप 2 मंथ के जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करते हो तो आपका ईवे बिल ब्लॉक हो जाएगा, पर अब 11 जनवरी 2020 से अगर आप 2 मंथ के जीएसटीआर 1 या फिर 2 क्वार्टर के जीएसटीआर 1 विच एवर इज एप्लीकेबल है अगर फाइल नहीं करते हो तो भी आपका ईवे बिल ब्लॉक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।